महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के रामाजी जाट की गली नामदारपुरा में स्थित त्रिलोचनेश्वर महादेव 84 महादेवों में 45वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विरज नामक पीठ पर त्रिलोचन का सुंदर मंदिर था। उसके सुंदर शिखर पर कई गवाक्ष थे। एक गवाक्ष में कबूतरों का एक जोड़ा रहता था। वहां आने वाले भक्तों के द्वारा शिव का नाम उच्चारण उनके कान में पड़ता था। संध्या एवं मंगल आरती का वे दर्शन करते थे। वे प्रसाद में लाए गए चावल को खाते तथा मंदिर के दक्षिण में बहती शिप्रा का जल पीते थे। एक बार बाज की दृष्टि उन पर पड़ गई। तब कपोती ने कपोत को आने वाले भय से सूचित किया। कपोत ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम इस गवाक्ष में सुरक्षित हैं। दूसरे दिन वह बाज फिर आया। कपोती ने डरकर फिर कपोत को इशारा किया। कपोत बोला, हमारी आकाश में 8 प्रकार की गति है, यह बाज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरे दिन वह बाज आया और उसके पास आके बैठ गया। कपोती ने कपोत को समझाया कि हमें यहाँ से अयंत्र चले जाना चाहिए, परंतु कपोत नहीं माना। बाज नित्य ही आता रहा। एक दिन उसने उनके गवाक्ष के द्वार को रोक दिया। तब कपोत ने उस बाज से युद्ध किया। बाज ने कपोत को चोंच से तथा कपोती को पंजे से पकड़कर आकाश में उड़ान ले ली। तब कपोती ने कपोत को समझाया कि बाज की टांगों को जोर से काटो। कपोत ने वैसा ही किया। दर्द के मारे बाज की चोंच और पंजे से दोनों ही छूट गए। कहते हैं मनुष्य को सदैव उद्यम करते रहना चाहिए। वे जम्बू मार्ग में गिरकर मर गए। उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। त्रिलोचन की सेवा से मनुष्य का पाप दूर हो जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।